9 सितंबर तक चलने वाली अग्निवीर सैन्य भर्ती मुख्य रूप से 3 जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। गोविंद सागर झील के किनारे बने लोहनू मैदान में अग्निवीर भर्ती में ऊर्जा हमीरपुर और बिलासपुर जिला के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अग्निवीर सैन्य भर्ती में तीनों जिलों से अभी तक करीब 2500 युवाओं ने भाग लिया है, जिसमें 1300 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया है तो साथ ही 600 युवाओं ने मेडिकल टेस्ट पास किया है। वहीं बिलासपुर में आयोजित अग्निवीर सैन्य भर्ती के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि तीनों जिलों से अग्निवीर भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की सुविधा मद्देनजर हर तरह की व्यवस्था की गई है। मेरे को लगता है आर्मी के कारण भी मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता है और एज अ सेकंड चॉइस मैंने डिप्लोमा चॉइस किया है और ये है मेरा ब्रदर। मेरा नाम सौरव कुमार है और मैं बीए थर्ड ईयर कर रहा हूँ अभी, पर फिर भी मैं इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद भी आर्मी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि एक तो ये मेरा सपना था बचपन से ही आर्मी में जाने का, और दूसरा हम इस देश की रक्षा कर सकते हैं बहुत, जैसे और देश की रक्षा कर सकते हैं, और भी हमारे माता पिता को भी ये सपना था कि हम आर्मी में जाएं। हमने पिछली बार भी ट्राई किया था सुजानपुर में, जिसमें कि मैं रिटर्न टेस्ट में रह गया था और मेरा भाई रनिंग में रह गया था, पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे एग्ज़ाम पहले हो गया उसके बाद हुई रनिंग ना हमारी, तो ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि इससे ये हुआ कि पहले कई बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था एग्ज़ाम देने का, तो रह जाते थे ऐसे। इस वर्ष सभी को मौका मिला और बहुत अच्छा हुआ इस वर्ष सब। का रहने वाला हूँ, मेरे गांव का नाम कुठार बीत है, मेरी क्वालिफिकेशन 10th+2 है। मेरे 12th में जो है वो 92% मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो भारतीय सेना को ही जो है वो अपनी एकमात्र मंजिल समझा है। इसके लिए मैं निरंतर जो है वो दो साल से मेहनत कर रहा था। मेरे गांव में भी जो है वो एक गुरु थे जिन्होंने कि निरंतर हमें जो है वो यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेनिंग दी है। उनकी मेहनत और हमारी लगन के फलस्वरूप आज हम जो है वो जहाँ खड़े हो पाए हैं। भारतीय सेना ही जो है वो देश सेवा करने का इससे बढ़िया मैं कोई और जो है वो साधन नहीं समझता हूँ। अग्निवीर भर्ती जो चली हुई है वो 3 जिले को केटर कर रही है वहाँ के बच्चों को, एक हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ऊना जिला के। और अभी तक जो फीडबैक है आर्मी वालों से वो ये है कि बहुत शांतिपूर्वक सारा प्रक्रिया चल रही है, बच्चों ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया और बच्चों का 9 तारीख तक ये सारा सिस्टम चलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह। अब कोई समस्या ऐसे सामने नहीं आई, बहुत शांतिपूर्वक हुआ और वहाँ की व्यवस्था जो हमने ग्राउंड पे भी जाके देखी और प्रशासन और भी अधिकारियों ने देखी, वहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, फुल प्रूफ, एकदम प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट, हर एरिया मार्क्ड है, कहाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कहाँ फिज़िकल उनके जो PMT टेस्ट होता है बाय डॉक्टर्स वो होंगे, फिर कहाँ उनका मेडिकल एक है सेपरेट इंडोर स्टेडियम में वहाँ होगा, और दौड़ का ग्राउंड वाउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, और पानी की व्यवस्था, बच्चों के भोजन की व्यवस्था, सुबह के नाश्ते की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से वो भी की गई हुई है, और उनके जो अंडरग्राउंड पे वेटिंग में जैसे सुबह दौड़ के बाद वो जब तक वेट करते हैं डॉक्यूमेंट चेक होते हैं टाइम लग जाता है, उसके लिए भी वहाँ लेटने की बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की हुई है, और ग्राउंड भी बहुत काफ़ी साफ है, और इसके लिए हम लोग आप सारी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी का धन्यवाद, और बच्चों को मेरी शुभकामनाएं कि जो मेरिटोरियस हैं वो सफल होंगे, सेलेक्ट होंगे। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।